मैंने तो इतना सारा ऑर्डर कर लिया फ्रीका, इसलिए नहीं नहीं यार। आज ना गुड मॉर्निंग नहीं हुए, एक्चुअली 12:30 बज चुके हैं और 1 बजे मुझे निकलना है क्योंकि मैं जा रही हूँ आउट ऑफ टाउन जॉब के लिए। यस, जॉब के लिए। सो आधे रास्ते तक मुझे जाना है बस में, देन मैं जाऊँगी कार में। सो देखते हैं चलो कि मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ रुकती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, मुझे कुछ खाने को मिलता है कि नहीं, सब कुछ आपको आगे देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए मेरे व्लॉग के साथ। और मेरी मिनी, मैं उसको लेके नहीं जा सकती क्योंकि मैं उसको पैक नहीं कर सकती, मेरी छोटी सी बैकपैक है और मैंने पैकिंग कर ली है। मैं एक्चुअली बताने वाली थी कि मैंने क्या क्या लिया है वगैरह वगैरह, बट उतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने पैकिंग कर ली है। सो आपको आगे देखने को मिलेगा सब कुछ। चलो, अभी मैंने बनाया किंडर बुएनो मिल्क शेक, सो अभी यही पी के निकलने वाली हूँ मैं जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे हो रहा है ले। चलो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, वेलकम तो मैंने कर लिया। और अभी मैं जा रही हूँ चल के, मुझे हाफ एन आवर चल के जाना है, देन फिर बस में, देन फिर कार में। यार यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी आधी जिंदगी तो चलने में ही निकल जाएगी, मुझे स्कूटर चाहिए। यार स्कूटी होती है तो कितना अच्छा होता है ना। सेल मारी नहीं कि गए नहीं, अपन पहुँचे नहीं। चलो अभी चलना है तो चलते हैं, चलते चलते मिल जाए रास्ते ना मिल जाए मंजिल। ओ भाई मेरे बैग में इतना सामान है ना, देखो इतना सारा सामान है, तो मैं काफ़ी दिन रुकने वाली हूँ। सो आपको अभी दूसरे व्लॉग देखने को मिल जाएंगे। चलो रोड क्रॉस करते हैं। अभी मेरा दिल कर रहा है, कह रहा है कि अंजलि गर्मी लग रही है, जैकेट निकाल निकाल निकाल। तो अभी यहाँ पे सेट करते हैं फोन और जैकेट निकालते हैं अपना। यस, बहुत गर्मी है, बहुत जगह है। आधे घंटे चलना है। चलो, मैंने सब कुछ कर लिया। उसके बाद अभी तो यश भी नहीं है कि मैं उसको बोलूँगी यार लेंस बांध मेरी, मुझे उसकी याद आ रही है, आई मिस यू यश। अभी वो एडिटिंग करेगा ना तो उसको बहुत खुशी होगी। अकेली जा रही हूँ तो क्या करूँ, कितना मस्ती करूँगी ना मैं। हाँ, बहुत गर्मी है भाया, बहुत गर्मी है। अभी आधे घंटे बस में इतनी गर्मी लगती है ना, पता नहीं लोग इतने समर में भी हीटर जला के रखते हैं। मैं मरने वाली हूँ, मेरे फेफड़े में हार्ट अटैक आने वाला है। नहीं, मेरे साथ में दो बंदियाँ और एक बंदा वो लेने नहीं आया, मुझे आधे रास्ते जाना पड़ रहा है यार। मेरी जो बस है ना वो आ चुकी है गाइस, तो अभी चलते हैं इसमें। सभी बस में तो बैठ चुकी हूँ, आधा घंटा लगेगा। और ये वाली बस में इतनी गर्मी लगती है ना, इतनी गर्मी लगती है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। मेरी बैग और मैं गाइस, अभी बज चुके हैं 8:00 और मैं निकली हूँ बाहर कुछ खाने के लिए, ठूसने के लिए। चलो ढूंढते क्या मिलता है। पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। देखो ये है मेन्यू, बट अभी मुझे इसमें
वेज बर्गर ही खाना पड़ेगा और कुछ ग्रीन में ये रहा, मेरी भी उंगली इस पे गई ना तो उस पर। सो आई एम गोना ऑर्डर दिस गार्लिक ब्रेड विथ चीज दिस एंड वेजी बर्गर। ओके, यहाँ पे डेजर्ट के भी बहुत मस्त मस्त वाले ऑप्शन है, तो देखते हैं अभी हमारा पेट भर जाता है कि नहीं, फिर पता चलेगा। देखो कितना अजीब लगता है ना कि आपके साथ में कोई नहीं है और आप अकेले अकेले खाने आए हो, तो बहुत अजीब लगता है मुझे तो, पर कोई नहीं खा लेते हैं। देखो यार क्या होता है पता है, क्या बोलना जा रही थी मैंने बाहर का खाना प्रीफर नहीं करती हूँ ऐसे, मतलब कि सब कुछ एक ही ऑयल में फ्राई करता है, आई नो दैट पर अभी खा लेते हैं यार, भूखे तो सो नहीं सकते और मुझे प्योर वेज मिलना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। सो आई एम गोना ईट। लोग मुझे पागल समझेंगे अकेले किसी से बात नहीं कर रही यार। यहाँ पे ना बड़ी बड़ी सी सीक्वेंस है जो कि फदक 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 कर रही है कब से। देखो मैं सोच रही क्या है क्या, फिर मैं नज़दीक आके बैठी, देन मैंने देखा ना मेरा जो बर्गर है ना वो आ चुका है फ्राइज के साथ में, तो अभी खाते चलो और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। यार इसने तो नाइफ फॉक दे दिया, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो हाथ से खाना है। मैं फिर खाने वाली हूँ। उई मैंने तो इतना सारा ऑर्डर कर लिया, फ्रीका है इसलिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे थोड़ी नहीं पता था इतना सारा आएगा, अभी क्या करूँ। चलो अभी इसको टेस्ट करते हैं। मैंने नाचोस ऑर्डर किए हैं पता है, मुझे इतने नहीं पसंद, बट मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किए जाए, और कुछ था ही नहीं। अरे यार कुछ तो आ जा यार, आ ही नहीं रहा। अरे यार गर्म भी है, अरे यार इतना टाइम किसको लगता है यार। यार सच्ची बात बताओ, पहले ना मैं बिंदास खाती थी, जो मतलब वेजिटेरियन मैंने ऑर्डर किया मैं खा लेती हूँ, बट अभी मुझे इसमें सोचती हूँ पता नहीं क्यों मैं ऐसी हो चुकी हूँ यार, ऐसी नहीं थी मैं, बट अच्छी बात है ना। देखो यार एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इतना सारा ऑर्डर कर दिया और अभी मुझे इसे खाया नहीं जा रहा। मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है ऑरेंज जूस, और इसका जो टेस्ट है ना वो ऑरेंज जैसा है। यार गाइज यहाँ पे ना ये पंच वाला था तो मुझे ये करना था, बट यहाँ पे ना कॉइन डालने पड़ते हैं और मेरे पास कॉइन नहीं है, फ़ोन में ही है सब कुछ, सो मैं नहीं कर सकती अभी, कल आऊँगी तो लेके आऊँगी। यार मैं इतनी गंदी लग रही हूँ ना, काली कलूटी काली। अभी मैं खा के निकली हूँ होटल जाने के लिए, जल्दी जल्दी चलते हैं होटल, और फिर कल सुबह उठना है जल्दी जल्दी, सो देखते हैं चलो कि क्या करेंगे अपन। अपन लॉक कर दे, चलो। देखो यार यहाँ पे ना काफ़ी मेहनत थी, मैंने ऐसे करके सब कुछ लगा लिया, फिर ये खुल ही नहीं रहा था, फिर ज़ोर से ऐसे खींचा ना तो अंदर से मुझे ये चाबी मिली। यार हर जगह अलग अलग होता है ना। वाओ ये है फ्रिज इतना बड़ा, इसमें बहुत सारा सामान, पता नहीं किसका है, हमारे लिए मेरे लिए, वही इतनी छोटी सी बेड, कोई नहीं चलो अपन तो सोते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। सो फ्रेंड्स अभी तो मैं बहुत 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 ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं घर से 2 बजे के निकली, फिर चल के आई, फिर बस में बैठी, फिर कार में बैठी, नहीं फिर 2 घंटे वेट किया, फिर कार में बैठी, तो उसमें मैं थक चुकी हूँ। सो आज तो मैं आपको कुछ नहीं दिखाती यहाँ का, फिर कल मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है शॉर्ट में।
तो चलो। और ये होटल है बट होटल नहीं है, मतलब जो होता है ना घर में उन लोगों ने जो रूम होते हैं और जो किचन एंड वॉशरूम और वो सब कुछ है ना वो कॉमन है, रूम है वो सेपरेट है, ऐसा है लाइक काइंड ऑफ हाउस ही बोल सकते हो आप, बट इन लोगों ने रेंट पे लगा दिया है एक एक दिन के लिए। तो जैसे